नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय लेकर आपके सामने पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेशन की शुरुआत करने से एक सुंदर सा सुविचार, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ एक मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना भी कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों की स्क्रीन के अंदर ये जो लेशन आप लोगों को दिख रहे हैं, वो लेशन के अंतर्गत लेशन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17 और 18, 19 और 20 ये लेशन आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। और उन लेशनों को आप लोगों को मतलब टैली करना रहेगा। उसके बाद की यदि बात मैं करूं तो लेशन 5वां हम लोगों का चल रहा था। लेशन 5वें का जो नाम है वो है भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। उस लेशन के अंतर्गत लगभग हमने सारे मुद्दे टैली कर लिए थे। अर्थात लेशन लगभग हमारा अंत तक आ गया था। फिर भी एक बार हम लोगों ने जो लेशन पढ़ा है 5वां भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी, उनके बारे में एक सामान्य झलक आपको बता दूं कि विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित प्रकार का ज्ञान और टेक्नोलॉजी का मतलब है उनका व्यावहारिक जीवन में उपयोग। और उस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारा बहुत कुछ विश्व को दिया, जिसको विश्व के लोगों ने स्वीकारा भी है और आज भी स्वीकार रही है। जैसे कि विश्व के अंतर्गत जो महामारी कोरोना की चल रही है, वो कोरोना महामारी के अंतर्गत भी जो वैक्सीन ढूंढने का काम कर रही है, उसमें भारत की भी 3 कंपनियां आज वर्तमान समय के अंतर्गत इस क्षेत्र में अपनी तीसरी ट्रायल पर चालू है। कहने का मतलब भारत ने विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले भी बहुत कुछ दिया था और आज भी बहुत कुछ दे रही है। फिर भी हम लोगों ने अब तक इस लेशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला मुद्दा हम लोगों ने धातु विद्या का पढ़ा, उसके बाद रसायन विद्या की जानकारी हमने प्राप्त की, उसके बाद वैदिक विद्या की जानकारी हमने प्राप्त की, उसके बाद गणित शास्त्र के बारे में भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया। उसके अंतर्गत अब अंतिम जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र की पुनः एक बार आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि ज्योतिष का अभिन्न अंग माना जाता है।
मंदिर, महल, अश्वशाला वगैरह के निर्माण के अंतर्गत वास्तुशास्त्र का नाम है। देवों के प्रथम इंजीनियर के रूप में विश्वकर्मा पेज नंबर 40 पर आपको उसकी चित्र भी दिया हुआ है वगैरह जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब जो हम बात करने जाएंगे यहाँ पर वो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा स्वाध्याय का। तो पेन और बुक उठाइए और स्वाध्याय के प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा, और नोट डाउन नहीं करो तो आप लोग वीडियो को पुनः देखकर भी इस प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य विज्ञान के भी बारे में हम लोगों ने देखा था, आपको मालूम है कि पेज नंबर 39 पर आपकी किताब में अन्य विज्ञान के अलग अलग किताब और उसके रचनाकार के नाम आपको दिए है कि प्रजनन शास्त्र है, ब्राह्मव्य पांचाल का चिकित्सा संग्रह है, चक्रपाणी दत्त का कामसूत्र है, वात्स्यायन का वृक्ष आयुर्वेद है, महामुनि पाराशर का योग शास्त्र, महामुनि पतंजलि का यंत्र सर्वस्व है, महर्षि भारद्वाज का, और कालगणना है शक मुनि का, वगैरह वगैरह वगैरह। अब स्वाध्याय की बात थोड़ी कर लेते, तो स्वाध्याय के अंतर्गत आप लोग पहला सवाल जो आप लोगों का है कि प्राचीन भारत की धातु विद्या के बारे में समझाओ, दो अंकों का सवाल है, 4 से 5 मुद्दे आप लोगों को लिखने, परिभाषा है धातु विद्या की, धातु विद्या में कौन कौन से संशोधन हुए, उनका समय कौन कौन सा था वगैरह वगैरह वगैरह, और धातु विद्या की श्रेष्ठ नमूने में कहाँ से प्राप्त हुए। दूसरा सवाल है प्राचीन भारत का द्वारा रसायन विद्या के क्षेत्र में की गई प्रगति, इन शॉर्ट रसायन विद्या के बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है, जिसके 7 से 8 मुद्दे मैंने आप लोगों को रसायन विद्या के बताए थे कि नालंदा विद्यापीठ श्रेष्ठ है, नागार्जुन उसके आचार्य है, वो अलग अलग प्रकार के रसायनों का मतलब उसमें उपयोग किया जाता था वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा सवाल जो है वो वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा, मतलब जो वैदिक विद्या के अंतर्गत आप लोगों को जानकारी दी थी कि भाई उसके महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत की जो किताबों के नाम है उसका उल्लेख है, कौन कौन से रोग है, रोगों का इलाज कैसे करते थे, विद्यार्थियों को समझाने के लिए क्या करते थे वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी 3 अंकों का सवाल रहेगा। पहला सवाल 2 अंकों का है, दूसरा 3 अंकों का, तीसरा 3 अंकों का, चौथा सवाल प्राचीन भारत के विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विरासत मिली है। तो पेज नंबर आप लोग चले जाइएगा 36 नंबर पेज पर चले जाइएगा, जिसका दूसरा पैराग्राफ आप लोग देखो तो उसके अंतर्गत अलग अलग विज्ञानों का नाम दिया है कि धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र और भौतिक शास्त्र जैसे और अन्य शास्त्र जैसे अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में विरासत हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद दूसरे सवाल का पहला सवाल अगर बात करो तो प्राचीन भारत में गणित शास्त्र में क्या प्रगति हुई, इन शॉर्ट गणित शास्त्र की टिप्पणी, 3 अंकों में आर्यभट्ट वाला जो मुद्दा है, भास्कराचार्य वाला कि शून्य की खोज हुई थी वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें गणित में कौन कौन सी खोज हुई थी, गणित से क्या चलता है वगैरह, 8-1 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखने रहेंगे। दूसरा सवाल है आप लोगों का प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र पर टिप्पणी आप लोगों को लिखनी है, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को लिखना है, मतलब दूसरा और तीसरा सवाल जो दोनों हैं वो दोनों सवालों को आप लोगों को जोड़ देना है, दूसरा और तीसरा सवाल दोनों को जोड़कर ये दोनों मिलकर 3 अंकों के सवाल होते हैं, मतलब 1.5 अंक का खगोल शास्त्र और 1.5 अंक का ज्योतिष शास्त्र, ये दोनों को आप लोगों को मिला देना है, दोनों को अलग से 3-3 अंकों में नहीं लिखना है, दूसरा और तीसरा सवाल मिलकर 3 अंकों का सवाल बनता है। चौथा सवाल वास्तुशास्त्र में किन किन बातों का समावेश होता है, तो एक बार आपको पुनः वास्तुशास्त्र के अंतर्गत बता दूँ, पेज नंबर 40 पर जाओ तो कि वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह की रचना किस प्रकार, किस दिशा में करनी चाहिए वगैरह बातों का समावेश होता है, ऐसा मुद्दा आप लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात क्या, तो अभी इसी वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी का अर्थ दिया 2 अंकों में, 1 अंक की परिभाषा विज्ञान की और 1 अंक की परिभाषा टेक्नोलॉजी की, फिर भी व्यक्ति के अंदर रहा हुआ व्यवस्थित ज्ञान अर्थात विज्ञान और उसका व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना अर्थात टेक्नोलॉजी। उसके बाद रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन की क्या क्या देन है, तो ये 2 अंकों में आप लोगों को लिखना है कि
नागार्जुन ने रसायन विद्या में क्या क्या अच्छा काम किया, उसकी किताब का नाम है पारे की भस्म बनाकर उसने जो औषधि बनाने की सलाह दी वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा सवाल है गणित शास्त्र में आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोजों के नाम। तो केवल आर्यभट्ट ने जो जो खोज की, अगर आपके पास किताब है तो किताब निकालिएगा, पेज नंबर 39 पर आप लोगों को दिया है तीसरा पैराग्राफ गणित शास्त्र का जो है, उसमें आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ में पाई की कीमत, उसके बाद गोले की परिधि, व्यास, व्यास के अनुपात को दर्शाने वाला अचलांक पाए, भाग की रीति, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल, अष्टांग पद्धति की जानकारी हमें दी है। चौथा जो सवाल है वो ज्योतिष शास्त्र कितने भागों में बटा, MCQ पूछे तो तीन, ज्योतिष शास्त्र तीन भागों में बटा है, तंत्र, संहिता और होरा, ये आगे मैं बता चुका हूँ। और पाँचवा सवाल वास्तुशास्त्र के प्रणेता का नाम, तो आपको मालूम है कि देवों के जो प्रथम इंजीनियर है विश्वकर्मा, उसका नाम आपको लिखना है। MCQ उत्तर है दोनों, मतलब ये चौथे सवाल में आपको दोनों जोड़ देने हैं। उसके बाद MCQ उत्तर की बात करूँ तो कला की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्प कौन सा था, तो के नटराज का। दूसरा सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य नहीं है, सारे विधान आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर सी ऑप्शन जो है कि रसायन शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है, तो ये विधान हमारा जवाब सही है, मतलब प्रश्न के हिसाब से ये हमारा जवाब सही है, क्योंकि देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तीसरा महर्षि चरक के द्वारा कौन चरक संहिता लिखी गई, तो सुश्रुत के द्वारा, तो पहला ऑप्शन सुश्रुत संहिता। किसी पाठशाला में एक वर्ग के कुछ विद्यार्थी गणित शास्त्र के विषय में चर्चा कर उनमें कौन सा सत्य बोलता है, तो जो यश वाला मुद्दा है दशांश पद्धति के शोधक बुद्धायन थे वो गलत है, तो बाकी के तीन कौन बचे, तो के श्रेया, मानसी और ये हार्द जो बोल रहे वो तीनों सही बोल रहे, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। पांचवा ब्राह्मव्य पांचाल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तो के प्रजनन शास्त्र। प्राचीन भारत में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रचलित करने वाले ब्रह्म सिद्धांत की रचना कौन, तो के ब्रह्मगुप्त। और अंतिम सवाल मंदिर, महल, अश्वशाला, किला इत्यादि की रचना किस तरह करना, किस दिशा में, तो कौन, तो के वास्तुशास्त्र। इस प्रकार से आपको इस लेशन की पूर्णाहुति करनी रहेगी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो पुनः एक बार बता दूँ कि व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। मेरा संपर्क नंबर है 9825581539। फ़ोन के द्वारा आपको सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने के लिए तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।